हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये रिलेटेड है जो डिफरेंट काइंड ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न होता है वो क्या होता है, इस पर आपके एग्जाम में कई बार 4 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी ये लास्ट जो एग्जाम आपका हुआ था September 22 का, उसमें भी आपका इस जो है डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए समझ लेते हैं इस डायग्राम में क्या है एग्जैक्टली। अगर आप ध्यान दें तो प्रोटीन में आपको अलग अलग तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जो एक तरीके का इंपॉर्टेंट कॉन्फर्मेशन आपको देखने को मिलता है वो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम डिफॉल्ट कॉन्फर्मेशन भी कंसिडर करते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। क्योंकि 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, हेलिक्स फॉर्म और बीटा शीट का फॉर्म। तो यहाँ पे हेलिकल फॉर्म हम देखेंगे और हेलिकल फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडिफाइड फॉर्म है उनको देखेंगे, और उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न क्या होता है ये इस डायग्राम में हम समझेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जो अल्फा हेलिक्स है ये सबसे स्टेबल काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और ये भी एक तरीके का हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब जो हेलिकल स्ट्रक्चर है जिनमें अल्फा हेलिक्स हम बोलते हैं, और अल्फा हेलिक्स में भी हम बोलते हैं कि जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन और मेन चेन में जो स्टेरिक क्लैश होता है वो मिनिमम होता है। अब इसी अल्फा हेलिक्स के और भी सारे मॉडिफाइड वर्जन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको मिलता है 2.27 रिबन, आपको मिलता है इसी के साथ 3.10 हेलिक्स, और आपको मिलता है इसी के साथ पाई हेलिक्स। ये सभी मॉडिफाइड वर्जन्स होते हैं अल्फा हेलिक्स के, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते हैं, दे आर लेस स्टेबल, और ये लेस प्रोमिनेंट होते हैं। अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप देखें तो एंड पे कहीं 15 रेसिड्यू के आपको 3.10 हेलिक्स या पाई हेलिक्स मिल जाएगी। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर्स आपको प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको रामाचंद्रन प्लॉट में या तो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन जोन में या माइल्डली फॉरबिडन जोन में देखने को मिलते हैं, ये स्ट्रिक्टली अलाउड जोन में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि या तो ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न ऐसा होता है, या फिर ये बहुत लूज इनमें बाइंडिंग होती है, जिससे कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। अब इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है। मतलब जब भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए चेंज होने लगेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। वह हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो आपको यहाँ पे इंट्रा चेन पहले बनता हुआ दिखाई पड़ता है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जो एक आपको अल्फा हेलिक्स इस तरीके से देखने को मिलती है, इसी हेलिकल चेन में आपको एच बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है बैकबोन में। कैसे मिलता है ध्यान दीजिएगा। अब इस डायग्राम में देखिए जो NH दिखाया गया है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड आप लिखते हो तो आप सभी लोग एग्री करोगे कि पॉलीपेप्टाइड लिखने का जो पैटर्न होता है आप हमेशा कुछ इस तरीके से लिखते हो। जो N साइड होता है ये लेफ्ट साइड पे होता है, जो C साइड होता है ये राइट साइड पे होता है, और इनके बीच में आप अमाइनो एसिड को लाइक AGK PR सभी को प्लेस करते हो, जिनके बीच होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जिनसे आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इन सभी अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड तो होता है, बट इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वो किस रेसिड्यू से किस रेसिड्यू के बीच में बनता है, कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायग्राम ध्यान से देखिएगा, ये NH है पहले अमाइनो एसिड का, ये सेंट्रल अल्फा कार्बन एटम है पहले अमाइनो एसिड का, ये सेंट्रल अल्फा कार्बन एटम है दूसरे अमाइनो एसिड का, ये सेंट्रल अल्फा कार्बन है तीसरे, सिमिलरली ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये 6th अमाइनो एसिड का सेंट्रल अल्फा कार्बन एटम है। अब अगर पहले अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो आपको पता है राइट साइड पे अगर आप अमाइनो एसिड लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से राइट साइड पे आपको कार्बोक्सिल ग्रुप मिलता है, अमाइनो ग्रुप आपको लेफ्ट साइड पे मिलता है, तो जो पहले ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, वो इंटरैक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक सीक्वेंस लिख सकते हैं कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि 2.27 रिबन बन रहा है, ठीक है, तो जो ith अमाइनो एसिड है, मतलब जो पहला अमाइनो एसिड है उसका CO पार्टिसिपेट करेगा, पहले अमाइनो एसिड का CO पार्टिसिपेट करेगा, और ये जाके इंटरैक्ट करेगा किससे, NH ऑफ व्हाट, I प्लस सेकेंड रेसिड्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है ये किससे इन्वॉल्व हो रहा है, ये पहला अमाइनो एसिड, ये दूसरा और ये तीसरा अमाइनो एसिड, तो आप क्या लिख सकते हैं, I+2। मतलब अगर 2.27 रिबन बन रहा है तो यहाँ पे CO ऑफ ith रेसिड्यू एंड NH ऑफ I+2 रेसिड्यू के बीच में इंटरैक्शन होगा, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, 2.27 रिबन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें
ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो है 310 हेलिक्स। 310 हेलिक्स में भी जो पहला अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब 310 हेलिक्स बनेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो NH होगा वो होगा I+3 वाले अमाइनो एसिड का, तो इससे बन जाएगा 310 हेलिक्स। और अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात करें तो अल्फा हेलिक्स में आपको क्या देखने को मिलता है, अल्फा हेलिक्स में आपको देखने को मिलता है कि जो NH है वो I+4 रेसिड्यू का इन्वॉल्व होता है। सिमिलरली पाई हेलिक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे I+5 रेसिड्यू का NH इन्वॉल्व होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो आप केयरफुल रहेंगे। मैं यहाँ पे नोट करके आपको दिखा दे रही हूँ, आप चाहें तो ये टेबल मार्क कर लेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है, कई बार पूछा भी गया है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने लिखा कि 2.27 रिबन बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो CO है ऑफ ith रेसिड्यू इन्वॉल्व होगा, हमेशा होगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, NH ऑफ I+2 रेसिड्यू। ठीक है, अगर आप 310 हेलिक्स की बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे सपोज 310 हेलिक्स की बात कर रहे हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, तो 310 हेलिक्स में क्या होने वाला है, अगेन CO ऑफ ith रेसिड्यू जो फर्स्ट रेसिड्यू है, और NH किसका इन्वॉल्व होगा, NH ऑफ I+3 रेसिड्यू, I+3 रेसिड्यू। ठीक है, अगर आप बात करेंगे अल्फा हेलिक्स की, अल्फा हेलिक्स की अगर आप बात करेंगे तो फिर से हो जाएगा CO ऑफ ith रेसिड्यू, और जो NH हो जाएगा NH ऑफ I+4 रेसिड्यू। पूछा गया आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में देख लिए क्वेश्चन। अगर आप बात करेंगे पाई हेलिक्स की, तो पाई हेलिक्स में आपको ध्यान रखना है अगेन CO ऑफ ith रेसिड्यू एंड NH ऑफ I+5 रेसिड्यू। तो इसकी एक छोटी सी टेबल आप बना लेंगे और इसको जरूर से आप एग्जाम में याद करके जाएंगे, ये कंडीशन है 2.27 रिबन की, ये कंडीशन है 310 हेलिक्स की, और ये कंडीशन है अल्फा हेलिक्स की, और ये कंडीशन है पाई हेलिक्स की। ठीक है, चलिए ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियोस अगर यूज़फुल लगे हैं तो इनको लाइक करिएगा, ज़रूर से रिवाइज़ करिएगा इन टॉपिक्स को, क्योंकि ये तो अभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऑल द बेस्ट।